भाजपा की जन आशीर्वाद यात्रा सोमवार को खरगोन जिले के सेगांव पहुंची। यहां भाजपा कार्यकर्ताओं ने जन आशीर्वाद यात्रा का भव्य स्वागत किया। यात्रा के रथ पर गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत, खरगोन प्रभारी सांसद गजेंद्र सिंह पटेल, भाजपा जिला अध्यक्ष राजेंद्र सिंह राठौड़, जिला यात्रा प्रभारी परशुराम चौहान मौजूद थे। इस दौरान गोवा के मुख्यमंत्री ने रथ से कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की तारीफ की और साथ ही कहा कि लाडली लक्ष्मी और लाडली बहना योजना देश भर में प्रसिद्ध हो गई है। वहीं सांसद गजेंद्र सिंह पटेल ने इस बार भगवानपुरा विधानसभा क्षेत्र में भी भाजपा को जिताने की अपील की है। सेगांव पहुंची जन आशीर्वाद यात्रा भाजपा कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। गोवा के सीएम प्रमोद सावंत ने दावा किया है कि मध्य प्रदेश में भी भाजपा की ही जीत होगी। सेगांव से संजय जायसवाल की रिपोर्ट। के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार के लिए ये भगवानपुरा का विधायक सेगांव के क्षेत्र से बनाकर भेजना चाहिए। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, यहाँ पर हमारी सनी इलेक्ट्रॉनिक की दुकान है, बर्तन की दुकान है, यहाँ पर सेगांव में कुछ लोग करे क्या सेगांव की धरती से कमल का फूल खिलना चाहिए? खिलना चाहिए। मां नर्मदा जी का जल किसने पहुंचाया? यहाँ पर नर्मदा जी का जल किसने दिया? भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जल दिया कि नहीं दिया? नागरवाड़ी उद्यान पीड़ियों से सेगांव का जल किसने दिया? पिस्तान उद्यान पीड़ियों से जल किसने दिया? यहाँ पर सिरवेल में गृह का शुभारंभ किसने किया? पिस्तान से लेकर सिरवेल का रोड किसने स्वीकृत किया? खरगोन में मेडिकल कॉलेज किसने स्वीकृत किया? तरह से मामा ने काम किया है, मुझे लगता है खास करके लाडली लक्ष्मी योजना मामा की वो पूरे देश भर में प्रसिद्ध योजना है। मामा जी का मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। मामा जी ने जिस तरह का काम इस मध्य प्रदेश में किया है और इस सेगांव के लोगों को किया, सेगांव के लोगों के लिए किया है, मैं निश्चित रूप से फिर एक बार इस जन आशीर्वाद यात्रा में आपसे फिर एक बार कमल का सरकार लाने के लिए यहाँ पे आपसे मांगने के लिए आया हूँ, आपका आशीर्वाद मांगने के लिए आया हूँ। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में देश इस विकसित भारत के नया भारत निर्माण के ओर तरफ रहा है। मामा जी नया मध्य प्रदेश करने के लिए तैयार है। आप लोग तैयार है करे, आप लोग तैयार है करे, तैयार है तो मेरे साथ पे बोलिए भारत माता के, भारत माता के। फिर एक बार डबल इंजन की सरकार आएगी और निश्चित रूप से आगे आने वाली सरकार यहाँ भाजपा की आएगी, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। जो मामा शिवराज जी ने जिस तरह से काम किया है, यहाँ के गांव गांव में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और ह्यूमन डेवलपमेंट बड़ी अच्छी तरह से किया है, इसी डेवलपमेंट के हिसाब से फिर एक बार यहाँ पे सभी लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट निश्चित रूप से देंगे, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। ये भारत और इंडिया जो चल रहा है, भारत और इंडिया को लेकर इसको क्या कहना चाहिए? भारत तो पहले से भारत है, इसमें कभी नया नहीं है। जब से 1947 से लेके आज तक हम भारत ही बोलते आए हैं और इंडिया भी बोलते आए हैं, भारत कोई नया नहीं है। इंडिया शब्द को भारत में तब्दील किया जा रहा है और इंडिया गठबंधन जो है लगातार उस पर अपना असंतोष। मुझे लगता है कि यूपीए वाले अपना नाम बदलने के बाद उनकी नीति नहीं बदलेगी, उनकी नीयत नहीं बदलेगी, इसीलिए उनके नाम बदल के कुछ फायदा नहीं होगा। ये जो सनातन धर्म नष्ट करने की बात चल रही है, इस पर क्या कहेंगे? अलायंस का इंटेंशन ही है कि सनातन धर्म का अपमान हर वक्त करते आए हैं, लेकिन यहाँ पे जो लोग इकट्ठा हुए हैं वो सनातनी है, वो हिंदू धर्मी है, वो सभी लोग उनको उनकी जगह दिखाएंगे। तो इंडिया अलायंस वाले सभी यानी खुद हो के उनका एजेंडा ही है हर वक्त हिंदू धर्म का अपमान करना। अभी लोग हिंदू धर्म का अपमान सहन नहीं करेंगे। क्या लग रहा है मध्य प्रदेश में, जैसे आप अभी आए जन आशीर्वाद? मध्य प्रदेश में मेजोरिटी से भारतीय जनता पार्टी जीत रही है और पूरी मेजोरिटी वाली सरकार मध्य प्रदेश में आ रही है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।